मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है, तो उसी खबर के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो उच्च पेंशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो इन मामलों के ऊपर कब सुनवाई होगी, इसके लिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त महीने में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर दो जजों की बेंच के सामने सुनवाई हुई थी। और उस सुनवाई के दौरान दो जजों की बेंच ने इन मामलों को तीन जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया था, पर अभी तक यह अपडेट नहीं था कि कब इन मामलों के ऊपर दोबारा सुनवाई होगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो उनके ऊपर सुनवाई होकर फैसला दिया जाएगा। तो जी, इसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में एक अच्छी खबर है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ताकि इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी खबर आती है तो उसे जानने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उस बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो जी हाँ, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंधित जो उच्च पेंशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो इन मामलों के ऊपर कब सुनवाई होगी, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानना जरूरी है कि कब इन मामलों के ऊपर सुनवाई हो सकती है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले है, तो इन मामलों के ऊपर 25 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हालांकि यहाँ पर अपडेट यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले दो जजों की बेंच ने तीन जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजे है, तो इन मामलों को 25 अक्टूबर 2021 को सुनवाई के लिए लिया जा सकता है। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट का जो दशहरे का अवकाश है, तो वो भी आने वाला है, और हाल ही में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम में जानकारी दी गई थी कि दशहरे के अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है वो फिजिकल तौर पर शुरू हो सकता है, इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखाया था। इसी को चलते अगर ऐसा होता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो वो सुनवाई के लिए जल्दी लिए जाएंगे। जैसा कि अपडेट है कि इन मामलों को 25 तारीख को सुनवाई के लिए लिया जा सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो पेंशन धारकों की संबंधित जो मामले है, तो उन मामलों के ऊपर सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार खत्म होगा और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो मामले है, तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला दिया जा सकेगा। तो फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के संदर्भ में यही अपडेट है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले है, तो उनके लिए 25 अक्टूबर 2021 का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लंबे समय का जो इंतजार है, तो वो इंतजार इस दिन को जो है वो शायद खत्म हो सकता है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो इनके ऊपर सुनवाई हो सकती है। जैसा कि सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि पिछली सुनवाई यानी 24 अगस्त 2021 की सुनवाई में जो दलीलें पेश की गई थी, ईपीएफओ द्वारा जो दलीलें पेश की गई थी, साथ ही जो रिस्पोंडेंट है यानी ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके द्वारा जो दलीलें पेश की गई थी, तो उसे सुनने के बाद दो जजों की बेंच ने इन मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ जो है वो कोई भी अन्याय ना हो सके, क्योंकि इससे पहले आरसी गुप्ता केस में जो फैसला दिया गया था, तो उस फैसले के अनुसार जो ईपीएस 95 पेंशन योजना में कैपिंग लिमिट लगाई गई थी, तो उसे पूरी तरह से हटाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया गया था, और जो उच्च पेंशन का भुगतान है, तो वो कर्मचारी के
रिटायर होने के वक्त जो वेतन है यानी उसका जो अंतिम वेतन है तो उसके आधार पर पेंशन का भुगतान दिए जाने का आदेश जो है वो दिया गया था। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती थी, पर ईपीएफओ द्वारा इस फैसले के ऊपर जो है वो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई। इसके बाद केरल उच्च न्यायालय ने भी अक्टूबर 2018 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला देकर उन्हें उच्च वेतन पर पेंशन भुगतान करने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके ईपीएफओ द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर भी एक याचिका दाखिल की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में खारिज कर दिया था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का रास्ता साफ कर दिया था। पर ईपीएफओ ने फिर से इस फैसले के ऊपर एक और याचिका दाखिल कर दी और इसके ऊपर सुनवाई अभी होना बाकी है, क्योंकि पिछली सुनवाई में ये जो दोनों मामले थे साथ में इससे संबंधित जो लगभग 60 केसेस है तो वो कनेक्टेड केसेस है, तो इन सारे केसेस के ऊपर सुनवाई की थी और 24 अगस्त 2021 को दो जज की बेंच ने इन मामलों को तीन जजों की बेंच के पास जो है वो सुनवाई के लिए भेज दिया था। अब इन मामलों के ऊपर 25 अक्टूबर 2021 को फिर से सुनवाई हो सकती है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली पेंशन है तो उसके ऊपर जो है वो रास्ता साफ हो सकता है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित उच्च पेंशन के मामलों को लेकर ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट आए तो उस अपडेट के बारे में आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।